नवनिर्वाचित छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह हो सर्वसम्मति से चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सभी विधायकों के शपथ लेने के बाद सर्वसम्मति से डॉक्टर रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा का पहला दिन था, 6वीं विधानसभा का यह पहला सत्र है। राज्यपाल सदन को संबोधित करेंगे, इसके बाद अनुपूरक बजट पेश किया गया। पीएम आवास योजना के तहत 18 लाख लोगों को घर दिए जाने हैं और किसानों को 2 साल का धान बोनस दिया जाना है। इसके लिए जरूरी है कि अनुपूरक बजट पारित हो। शपथ दिलवाए, सबने शपथ लिया और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए अकेले डॉक्टर रमन सिंह जी का नाम आया था। हमारे विपक्ष के लोग भी सहमति दिए थे और सर्वसहमति से विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव हो गया। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। इस तरह से आज का ये पहला दिन बड़ा ही अच्छा रहा, सुखद रहा। कल से आगे जो है किस तरह की सत्ता पक्ष की तैयारी है, किस तरह से आगे का चलेगा? क्योंकि ये 6वां विधानसभा का पहला सत्र है और ये परंपरा है कि महामहिम गवर्नर साहब का एड्रेस होता है, उनका उद्बोधन होता है। वो कल महामहिम गवर्नर साहब का उद्बोधन भी होगा और उसके बाद एक अनुपूरक बजट प्रस्तुत होगा। क्योंकि 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत पक्का का मकान देना है और 2 साल का धान का बोनस भी किसानों को देना है, तो इसके लिए आवश्यक हो रहा है कि अनुपूरक बजट पास करें। तो अनुपूरक बजट भी कल प्रस्तुत होगा और अगले दिन 21 को दोनों पर चर्चा होगी, गवर्नर साहब के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी और अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होगी।